दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हंट में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी, इंग्लिश आदि के जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम एग्जाम्स में, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे तथा उन प्रश्नों के उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे और उनको हल करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो KVS NVS स्क्रीनिंग या CTET, STET या TET में इंग्लिश सब्जेक्ट की ग्रामर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों में से है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जरूरी क्या है, एक ट्रिकी वे है कि जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रश्न हल करें तो कर्ता ने क्या कार्य किया है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमें इस प्रश्न का उत्तर देगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमें इस प्रश्न का उत्तर देता है कि कर्ता ने क्या कार्य किया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें बताता है कि कर्ता ने किसके लिए कार्य किया। To find out the direct and indirect object in the sentence, there is a trick. तो ट्रिक क्या है, वाक्य में क्रिया के साथ what लगाएं तो आपको direct object का जो है आंसर मिल जाएगा। For example, she cooked the meal. She cooked the meal. तो जैसे कि आपको पहले बताया, she यहां पर verb है, sorry, she यहां पर subject है और cooked यहां पर verb है। तो she cooked what? What she cooked? तो उसने क्या बनाया, तो what जैसे आपको पूछा है direct object का, इसमें उदाहरण हम दे रहे हैं, तो what she cooked? मील। तो मील क्या हुआ यहां पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देख सकते हैं हम, द वर्कर पेंटेड द हाउस। द वर्कर पेंटेड द हाउस। व्हाट द वर्कर पेंटेड, क्या पेंट किया, तो व्हाट, तो फिर दोबारा जो आंसर है वो क्या है यहां पर, हाउस। तो हाउस क्या है यहां पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो तीसरी एग्जांपल और देख सकते हैं, आई रिटर्न द बुक। आई रिटर्न द बुक, तो मैंने वापस किया, व्हाट आई रिटर्न बुक। तो वर्क बुक जो है यहां पर फिर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये तो था हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो उसके बाद हम दूसरा जो करते हैं वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। तो अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखें, तो जैसे कि आपको पहले बताया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप वर्ब के साथ क्रिया के साथ होम लगाएं तो आपको
सही आंसर जो है मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी द बॉल, ही गेव मी द बॉल. तो अब आप इसमें देखें ही गेव मी, व्हाट ही गेव, तो क्या गेव, क्या उसने दिया, तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा बॉल. और किसको दिया, हूं, तो किसको दिया, मी, मुझे. तो ये क्या है, यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो जहां पर होम हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट का आंसर है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें, शी बॉट अ न्यू कार, शी बॉट अ न्यू कार फॉर हर सन. तो व्हाट शी बॉट, कार, तो कार क्या है यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. होम किसके लिए, फॉर हर सन, तो सन क्या है यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे जो नए नए वीडियोस हैं वो देखते रहेंगे. ऐसे ही हम आपको इंटरेस्टिंग वे से टॉपिक समझाते रहेंगे. इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.